लाइव खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में एक पॉजिटिव मिला, 10 हुए स्वस्थ। जहर पी कर कर ली खुदकुशी। युवक को डंडे से पीट कर किया जख्मी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर जिले में लगातार 11वें दिन कोविड से किसी भी संक्रमित की मौत नहीं हुई। सोमवार को महज एक संक्रमित शहर में मिला। राहत की बात यह है कि ग्रामीण में ना नए पॉजिटिव मिले ना मौत हुई। संक्रमण दर 0.6% दर्ज की गई। आज 10 संक्रमित स्वस्थ हुए। अब तक कुल 482,798 संक्रमित स्वस्थ हुए। अब तक कुल 492,989 संक्रमित मिले और 10,118 की मौत दर्ज की गई है। नागपुर जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 73 पर जा पहुंची है। इसमें शहर के 67 और ग्रामीण के 6 मरीज शामिल है। 31 मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती हैं। दूसरी खबर, नंदनवन के डायमंड नगर इलाके में एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। मृतक जयसेन जागड़े है। जागड़े ने 15 अगस्त को दोपहर 3 बजे जहर पी लिया था। उन्हें उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान रविवार को तड़ाके 4:30 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नंदनवन पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। तीसरी खबर, कलमना की चिखली झोपड़पट्टी में मित्र के साथ जा रहे युवक को आरोपी ने डंडे से हमला कर जख्मी कर दिया। आरोपी रवि उर्फ दादू वाघ मारे है। फरियादी मनीष दशरथ यादव है। रविवार की रात 11:30 बजे भोजन के बाद मनीष अपने मित्र के साथ टहल रहा था। इस दौरान आरोपी दादू ने मनीष को देखकर गालियां देते हुए जख्मी कर दिया। कलमना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर रोजाना खबरें देख सकते हैं। लाइक इन हाइक ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। देश की राजनीति पर होगी आपकी मुझसे सीधी बात। देश की आम जनता जुड़ेगी मेरे साथ। हर गली की राजनीति पर होगी हमारी बात। आपके नगर सेवक से लेकर सांसद तक से होगी चर्चा, जिसमें विकासात्मक कार्य और उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार दोनों पहलुओं पर होगी बात। मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। सरकार से सीधी बात दोपहर 2 बजे